बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं उनको सुनते कानों मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और रमजानुल मुबारक। आज हम मजेदार से चाइनीज नगेट्स बनाएंगे अफतारी के लिए। पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं, लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं 1 छोटा चम्मच, 100 ग्राम चिकन का गोश्त है ये छोटे पीसेस में कटा हुआ बोनलेस, ये शामिल करते हैं। और हल्का सा सौते करते हैं, 2-3 मिनट पकाएंगे इसको। 2-3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसके अंदर एक छोटे साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ, ये शामिल करते हैं। कुछ और सब्जियां शामिल करते हैं, ये मेरे पास है गाजर है छोटे साइज की बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई छोटे साइज की, ये सब्ज मिर्चे हैं 2-3 बारीक कटी हुई, और ये बंद गोभी है ये भी 1/2 कप है बारीक कटी हुई। इसको हल्का सा भूनते हैं, सब्जियों को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, कुछ मसाले शामिल करते हैं। ये काली मिर्च है 1/2 छोटा चम्मच, नमक है 1/2 चम्मच, ये टमाटो केचप है 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और ये सिरका 2 खाने के चम्मच। अब हम इसके अंदर 1 कप सूजी शामिल करेंगे और इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। इसको भूनते हुए 1-2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ये 2 कप पानी शामिल करेंगे, 1 कप सूजी है 2 कप पानी शामिल करेंगे। और इसका पानी खुश करेंगे, ये 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स ये डालते हैं। ये धनिया शामिल करेंगे सब्ज धनिया, और इसको मिक्स करते हैं। पानी इसका खुश्क हो गया है, अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा करते हैं। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम हाथों को ग्रीस कर लेते हैं और इसको इस तरह पकड़ते हैं। अब ये मैदे के अंदर हम इसको कोट करते हैं अच्छे तरीके से और फिर पानी के अंदर डालते हैं। और फिर ये ब्रेड क्रम के अंदर इसको कोट करते हैं। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड बदल लेते हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे अफ्तारी के लिए मजेदार से चाइनीज नगेट्स तैयार हो गए हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। जहां रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।